तो भैया जली को राग कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और गाने को कहते हैं सॉन्ग। और जो फैंस की महीनों की सूखा एक बार में खत्म कर दे उसे बोलते हैं किम त्योंग। जी हाँ, BTS आर्मी आज सुबह से वी ने एक बार फिर से फैंस को नए नए सरप्राइज देने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और सुबह से उनकी नई नई अपडेट्स रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी एक घंटे पहले ही किम त्योंग ने फैंस को पिछले 2-3 महीनों का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया, जब वो व्यूअर्स पर फाइनली लौट आए। फैंस के साथ उन्होंने इंटरेक्शन की, काफ़ी बातचीत की, और अभी फैंस इस धमाकेदार खबर से उभर नहीं पाए थे कि किम त्योंग अगले सरप्राइज के साथ तैयार हैं। और आपका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा अगर आपको पता चले कि व्यूअर्स के बाद किम त्योंग ने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए BTS आर्मी के एक रैंडम ग्रुप को ज्वाइन किया और इस ग्रुप में भी जाकर फैंस के साथ बातचीत की और यहाँ भी बहुत सारी अपडेट आर्मी के साथ शेयर की। लेकिन इससे पहले आपको बता दूंगी, किम त्योंग ने जो आर्मी का एक जो रैंडम ग्रुप ज्वाइन किया था वो था काकाओटॉक पर, जो कोरिया में काफी फेमस ऐप है। यहाँ पर BTS आर्मी अपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाकर रखती है जिसमें वो BTS से रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं। और किम त्योंग ने आज संडे के दिन इसी तरह के ग्रुप्स को शायद खंगालना स्टार्ट किया था और वी को ये रैंडम ग्रुप मिला जहाँ पर किम त्योंग ज्वाइन करते हैं और सभी को हैरान करते हुए मैसेज करते हैं कि आप सब लोग कैसे हो, सब ठीक है ना, और अपना सीक्रेट भी रिवील कर देते हैं कि मैं इस ग्रुप में इसीलिए आया हूँ क्योंकि बाकी बहुत सारे रूम्स में या ग्रुप्स में वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट किया हुआ है, तो मैं वहाँ नहीं जा पा रहा था कि आप सब लोग मुझे हेलो नहीं कहोगे। अब मुझे जाना होगा, मुझे मिलिट्री में इवनिंग कॉल रोल करनी है, तो मैं आप लोगों से अगली बार बातचीत करने के लिए आ जाऊँ, आप लोगों ने आज बहुत मेहनत की है। और ये बोलकर किम त्योंग इस ग्रुप से भी चले जाते हैं और अपने इस रैंडम सरप्राइज से सभी को चौंका देते हैं। साथ ही साथ इसी ग्रुप में किम त्योंग अपनी एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक सेल्फी भी पोस्ट करते हैं और फैंस का दिन और भी सुपर डुपर स्पेशल बना देते हैं। तो आप लोगों को किम त्योंग का ये रैंडम सा सरप्राइज कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।